नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम वाघेला वनिता है। मैं आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं सबसे पहले आप सबका नाम जानना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? वाघेला प्रसाद नरेश भाई। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो मित्रों, आप सभी को कहानी पढ़ना तो पसंद ही होगा। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसमें एक समझदार और परोपकारी पक्षियों की बात कही गई है। तो उस कहानी का नाम है कबूतर और चींटी। तो एक घना जंगल था, उस जंगल में एक कबूतर और चींटी रहते थे। उस जंगल के पास से एक बहुत लंबी और बहुत मोटी सी नदी पासा होती थी। तभी एक दिन क्या हुआ कि बहुत सारी बारिश हुई। तब जो चींटी थी वो पेड़ के नीचे रहती थी, तो वो तैर कर नदी में आ गई और उसके प्राण संकट में पड़ गए। तभी क्या हुआ कि चींटी अपनी जान बचाने के लिए आजीजी करने लगी। तब उसके पुकार सुनने के लिए वहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन पेड़ पर रहा वो कबूतर ये सब देख रहा था। उसे पता था कि चींटी की जान मुश्किल में है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मुझे चींटी की जान बचानी चाहिए। तो उसने अपने पास से एक पत्ता तोड़ा और नीचे नदी में फेंका। तभी चींटी को कहा कि वो इस पेड़ के पत्ते पर बैठ जाए और वो उसकी जान बचा लेगा। तो चींटी ने भी कबूतर की बात मान ली और वो सीधा पत्ते पर बैठ गया और इस तरह से कबूतर ने चींटी की जान बचा ली। तभी इस तरह से चींटी की जान बच गई। तो उसी दिन से कबूतर और चींटी एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तभी एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में शिकारी शिकार करने के लिए आया, तो उसने शिकार करने के लिए कबूतर पर अपना निशाना लगाया। कबूतर इस बात से बिल्कुल अनजान था, लेकिन ये सब वो पेड़ के नीचे रही चींटी सब कुछ देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे एक दिन कबूतर ने उसकी प्राणों की रक्षा की थी। उसे भी लगा कि मुझे भी कबूतर की जान बचानी चाहिए और उस पर ये परोपकार करना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो सीधी उस शिकारी के पास जा पहुंची और उसने जो शिकारी खड़ा था उसके पैर पर जोर से काटा। तब शिकारी जोर से चिल्लाया और उसका जो निशाना लगाया हुआ था वो चूक गया, दूसरी जगह पर गोली चल गई और इसी तरह से कबूतर के प्राण बच गए। तो कबूतर ने चींटी की बहुत ही प्रशंसा की, बहुत कहा कि तुमने मेरी जान बचा ली। तब चींटी ने कहा कि तुमने भी तो मेरी एक दिन जान बचाई थी, इसलिए मैंने भी तुम्हारी जान बचाई। तो आपने देखा कि छोटे छोटे कबूतर और चींटी अपनी समझदारी से और परोपकारी से कैसे एक दूसरे के प्राणों की रक्षा करते हैं और अपनी ही समझदारी से कैसे एक दूसरे के उपयोग में आती है, वो हमने सीखा। तो हमारे पुस्तक में ऐसी एक कहानी है समझदार नन्ही, जो एक छोटी सी समझदार नन्ही है जो अपनी समझदारी से और अपनी अक्ल से कैसे परोपकार करती है, वो हम इस कहानी के जरिए पढ़ेंगे। तो कहानी का नाम है समझदार नन्ही। तो उस पहले मैं इस कविता के आधार पर आपको कुछ प्रश्न करूंगी, जो जिसके जवाब जिसको आता है वो अपनी उंगली ऊपर करके बताएगा। उस जंगल में कौन कौन मित्र थे? आप बताइए। कबूतर और चींटी। बहुत अच्छे, आप बताइए। कबूतर और चींटी। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो उस जंगल में जो नदी पसार होती थी वो कैसी थी, आप बताइए। बहुत लंबी। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। एक दिन बारिश आई, तब चींटी की जान जो संकट में हुई, तो उसकी जान किसने बचाई, आप बताइए। कबूतर। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। जब कबूतर ने चींटी की जान बचानी सोची, तो उसने क्या किया, आप बताइए। शिकारी की नहीं नहीं नहीं, गलत जवाब है, आप खड़े रहिए, आप बताइए। कबूतर ने पेड़ पर पौधा फेंका। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अब आप बोलिए। कबूतर ने
एक पत्ता चींटी की तरफ फेंका। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो चींटी ने कबूतर की जान कैसे बचाई? आप बताइए। शिकारी के पैर में जोर से काटा। बहुत अच्छे, आप बताइए। शिकारी के पैर में जोर से काटा। बहुत अच्छे। तो इस तरह इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप बताइए। ये आता है ना कि हमें परोपकारी बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। हमें परोप बनना चाहिए, समझदार बनना, समझदार बनना चाहिए। आप बताइए। परोपकारी और समझदार बनना चाहिए। बहुत अच्छे। तो उसी तरह आज हम एक कहानी और पढ़ेंगे जिसका नाम है समझदार नन्ही। Gracias.